हरिद्वार की बीएचयूएल सेक्टर 1 में यहाँ पर जाट महासभा हरिद्वार की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर समाज से जुड़ी हुई कई बातों को लेकर मंथन हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर किस तरीके से समाज देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है, इस बारे में भी आपसी सलाह मशवरा किया गया। इसके साथ ही यहाँ पर जाट महासभा हरिद्वार के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस तरह से हमारे पहलवान भाई दिल्ली में धरना दे रहे हैं और सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, इस बैठक में यहाँ पर इस पर भी मंथन हुआ है। महासभा हरिद्वार की बैठक में अपने पहलवानों को लेकर के समाज ने एक समिति बनाई है, जिसमें समाज के 5 वरिष्ठ लोग और जो समाज के पदाधिकारी हैं वो सभी सम्मिलित हैं। ये पदाधिकारी और वो समिति निर्णय लेगी कि समाज को उन पहलवानों के लिए क्या करना है। परंतु मेरा ये व्यक्तिगत रूप से कहना है कि आज जो पहलवानों के साथ हो रहा है, इतने दिन से वो दिल्ली में खुले मैदान में बैठे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। जिस दिन वो मेडल लेके आए, वो मेडल सारे देश के लिए थे और आज उनको एक विशेष जाति का बना करके छोड़ दिया गया।